हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अब से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंट्रोडक्शन ये वीडियो कहलाएगा, और इसमें मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंट्रोडक्शन करूँगा कि क्या और कैसे रजिस्टर करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो हमें डिजिटली करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी सामान डिजिटल बिकता है या बेचा जाता है, सभी के अंतर्गत, डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत सभी चीज़ आते हैं। जैसे मान लीजिए आप अमेजोन पे कोई सामान खरीदते हैं, तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया कि वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और काफ़ी सारे ऐसे साइट हैं जहाँ जहाँ से आप लोगों ने बहुत सारे सामान ऑनलाइन खरीदते होंगे, तो ये सारे भी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई टी शर्ट बेचनी हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लेंगे टी शर्ट बेचने के लिए, या वेबसाइट का हेल्प लेंगे टी शर्ट बेचने के लिए। तो ये सभी चीज़ जो भी डिजिटली स्टोर होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये डिजिटल मार्केटिंग 2019 में काफ़ी अधिक हो रही है, और 90% के आसपास ये डिजिटल मार्केटिंग 2019 में पहुँच गई है। आने वाले समय में और ये अधिक आने वाली है। जैसे कि आज देख सकते हैं आप, कपड़े से लेके फूड और सभी चीज़, ट्रेवल्स की भी चीज़ें ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो ये डिजिटली काफ़ी ग्रो होते जा रहा है, इसलिए हमें आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसे सीख के आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसे सीख के आप अपने बिजनेस में, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और किसी दूसरे के भी बिजनेस को अगर आप प्रमोट करना चाहें, वो आपको पैसे देंगे, आप उसे प्रमोट कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर। तो आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। इस कोर्स में हम सभी एस्पेक्ट को जानेंगे, सभी पार्ट को जानेंगे कि किस किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं डिजिटल मार्केटर के लिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं हुई है और आप एक अच्छे खासे जानकार हैं डिजिटल मार्केटर के रूप में, तो आपको एक अच्छी खासी पैकेज मिल जाएगी, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर आप कंपनियों में जॉब नहीं करना चाहते, तो आप फ्रीलांसिंग या घर बैठे काम करके दूसरे क्लाइंट के लिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक आपको जॉब्स मिलेंगे, आप कहीं भी सर्च करेंगे तो इसलिए आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, और आप इससे घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगले वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट पार्ट को जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और हम इस चैनल से जुड़े रहें ताकि डिजिटल मार्केटर के हर एक पार्ट को, सीरीज को देख सके और फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सके। तो गुड बाय।